एक समय था जब मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया। नमस्कार, ये भारत देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ नंदिता। अभी जो आपने वीडियो देखा वो ज्यादा पुराना नहीं है, जनवरी 2022 का ही है। प्रधानमंत्री मणिपुर में रैली करने गए थे, वीडियो में आपने देखा और सुना। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोल रहे हैं कि मणिपुर को पहले की सरकारों ने अपने हाल पर छोड़ दिया। यहाँ प्रधानमंत्री जी से सवाल ये है कि अब तो मणिपुर में डबल इंजन की सरकार भाजपा की है, बीजेपी का राज है, फिर भी मणिपुर को उसके हाल पर जलता हुआ छोड़कर आप विदेश क्यों चले गए? क्यों एक बार भी आप मणिपुर की जनता का हाल जानने के लिए नहीं गए? क्या आपके मन में एक बार भी नहीं आया कि मणिपुर को जलने से बचा ले? आप मन की बात करते हैं ना, फिर आप मणिपुर की बात क्यों नहीं करते? क्यों आपने मणिपुर को अनदेखा कर दिया? इतना ही नहीं, आप प्रधानमंत्री का एक और वीडियो देखिए। यहाँ के मुख्यमंत्री समझ लें, मणिपुर में जो भ्रष्टाचार हुआ है 15 साल में, चिट्ठा हम खोल देंगे। ये बात मान के चलो, क्योंकि आपने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहां के समाजों को एक दूसरे का दुश्मन बना के रख दिया, भाई भाई को लड़ा दिया आपने। क्या राजनीति इतनी नीचे स्तर पर गई है जिसको समाज की परवाह नहीं हो, देश की परवाह नहीं हो, मणिपुर की परवाह ना हो, सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह हो? ऐसे लोगों को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं। ये वीडियो 25 फरवरी 2017 को इम्फाल में एक चुनावी रैली का है, जिसमें नरेंद्र मोदी मणिपुर की तत्कालीन कांग्रेस सरकार पर बोल रहे थे कि आपने सिर्फ चुनाव जीतने के लिए यहाँ के समाज को एक दूसरे का दुश्मन बना के रख दिया है, भाई भाई को लड़ा दिया आपने। क्या राजनीति इतने नीचे स्तर पर गिर गई जिसको समाज की परवाह नहीं हो, देश की परवाह नहीं हो, मणिपुर की परवाह नहीं हो, सिर्फ अपनी कुर्सी की परवाह हो? ऐसे लोगों को एक पल भी रहने का अधिकार नहीं है। एक पल क्या, लगभग 50 दिन हो गए मणिपुर को हिंसा की आग में जलते हुए। अब समाज की परवाह कहाँ गई? अब अधिकार क्यों नहीं समझ रहे? अभी जो मणिपुर में हो रहा है उसे देखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मणिपुर के मुख्यमंत्री और मंत्रियों को इस्तीफा देने के लिए क्यों नहीं बोल रहे? क्या सिर्फ इसलिए कि अभी वहां और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और तब कांग्रेस की थी? आज मणिपुर के कई लोग बेघर हो गए, कई मासूमों की जान तक चली गई, लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, आपको ढूंढ रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, क्या आपको उनका दुख, उनकी पीड़ा दिखाई नहीं दे रही? मणिपुर की जनता बीजेपी सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से सहायता मांगकर थक गए, लेकिन प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री अमित शाह ने एक बार भी जाकर उन लोगों का हाल नहीं पूछा। इसलिए मणिपुर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लापता होने के पोस्टर भी लगाए गए हैं। हालांकि प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के इस रवैये पर मणिपुर के लोगों में काफी गुस्सा भी है, पर वो बेबस है और कुछ कर नहीं सकते सिवाय अपने दर्द को बयां करने के। We cannot lose more lives. And what this is your message to Mr. Modi, who hasn't said a syllable for 45 days, 6 weeks, and he hasn't said a thing? What is your message to the Prime Minister of India about Manipur and about what people like you, Pukki Maithe, expect from him? The Prime Minister of a nation is like the parent of a nation. When your own children are dying, dead, killed, maimed, lynched, burned alive, how dare you keep silent, Mr. Prime Minister? How dare you keep silent? How can you keep silent? We, the women of Manipur, we are crying. Our cries are not of weakness. It is resolving the women of Manipur, the women of Northeast, to let you know that this doesn't behove the position of a prime minister. In fact, you should take moral responsibility of what's happening in Manipur and resign yourself. This is not the India that we dreamed of, the country with the largest democracy, the country with the mother of all democracies. This is not the India that in 1949 that Manipur became a part of, and it was promised that the identity of Manipur, the territorial boundary of Manipur, will be protected.
This is a very, very powerful message you're sending, Ms. Neppuram. I'm repeating your words because I think they will echo across the country. How dare you keep silent, Mr. Prime Minister? America se to Manipur nazdeek hai. देश का एक राज्य जल रहा है, लोग मर रहे हैं, आप उन लोगों को उनके हाल पर छोड़कर विदेश चले गए। जब बालासोर रेल दुर्घटना हुई थी और राहुल गांधी अमेरिका के दौरे पर थे, तब बीजेपी ने राहुल की खूब तस्वीरें शेयर की थी कि देश में इतना बड़ा हादसा हो गया और राहुल वहां एंजॉय कर रहे हैं, तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, जबकि घटना राहुल के वहां जाने के बाद हुई थी। और राहुल तो देश के प्रधानमंत्री भी नहीं है ना, और ना ही रेल मंत्री है, तब भी उनको उस घटना से जोड़ा गया। अब बीजेपी वाले ये बताएं कि प्रधानमंत्री जिसने मणिपुर के हालात छुपे नहीं है, फिर भी वो अमेरिका कैसे चले गए? इस सवाल का क्या कोई जवाब है बीजेपी के पास? बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर पर चुप्पी क्यों साध रखी है और हाथ पर हाथ रखकर सब कुछ देख रही है? ऐसा पहली बार नहीं है जब पीएम मोदी और केंद्र की सरकार देश के किसी मुद्दे पर चुप है। इससे पहले भी पहलवानों, बालासोर रेल दुर्घटना, गुजरात पुल हादसा, पुलवामा हमले में शहीद जवान, किसान आंदोलन में किसानों की मौत और एमएसपी, अडानी, ऐसे अनगिनत मुद्दे हैं, या यूं कहें कि वो सारे मुद्दे जिनके लिए जिम्मेदार केंद्र सरकार है, पर जवाबदेह नहीं बनती। और सबसे बड़ी बात, हमारे देश का मीडिया भी उन्हें उनकी हरकतों की वजह से गोदी मीडिया का टाइटल भी मिल चुका है। वो कभी भी इन मुद्दों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से और उनकी सरकार से कोई सवाल नहीं पूछते, और पूछे भी कब, क्योंकि उनको तो हिंदू मुसलमान करने से ही फुर्सत नहीं मिलती। और जो विपक्ष के नेता इन मुद्दों पर सरकार से सवाल पूछ ले तो संसद में उनका माइक बंद कर दिया जाता है, उन पर मानहानि के केस कर दिए जाते हैं। मणिपुर पर प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के आंख कान बंद करके गूंगा बहरा बन जाने पर आपका क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। और राजनीति से जुड़ी खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलें। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें, लाइक करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द लेकर आ रही हूँ आपके लिए राजनीति से जुड़ी बड़ी और ताजा खबर। तब तक के लिए देखते रहिए सिर्फ एनएम भारत। नमस्कार।